देश जहां कोरोना जैसी महामारी बीमारी से जूझ रहा है, तो वहीं देश में दुष्कर्मियों के हौसले भी बुलंद है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जिस प्रकार से दुष्कर्मियों के हौसले बुलंद है, ना उन्हें शासन का डर है, ना प्रशासन का, और ना उनको लॉकडाउन से कोई भी मतलब है, ना उन्हें किसी भी तरीके से कोरोना वायरस महामारी बीमारी का भी डर है। तो एक राजधानी से मामला सामने आया जहां पर दुष्कर्मियों ने एक नाबालिग लड़की का बलात्कार कर दिया और वारदात को दिया अंजाम। आइए डालते हैं इस मामले पर एक नजर। लखनऊ में किशोरी के साथ दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। शहर में लॉकडाउन के बावजूद दो दबंगों ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवकों ने घर से निकली एक किशोरी को हवस का शिकार बनाया और घटना को अंजाम देकर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए, जिसके बाद बच्चियाँ डरी सहमी किसी तरह घर पहुँची और परिजनों को अपनी आप बीती बताई। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को देते हुए दो लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने शुक्रवार रात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में अतुल और बाबा व अतुल कुमार हैं। गोमती नगर झुग्गी झोपड़ी निवासी एक मजदूर की 16 वर्षीय और उसके पड़ोसी की बेटी शाम को एक साथ टहलने के लिए पास के मैदान में गई थी। इसी दौरान इलाके में रहने वाले दो युवक अतुल उर्फ बाबा व अतुल कुमार वहां आ गए, दुष्कर्म किया। बाबा LLB का छात्र है और अतुल कुमार ई ट्रेनिंग कंपनी में काम करता है। जब किशोरियों ने इसका विरोध करते हुए चिल्लाना शुरू किया तो आरोपी युवक उनको जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। अतुल और बाबा ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, वहीं अतुल कुमार ने उसकी सहेली के साथ छेड़खानी की। बाद में दोनों किशोरियों किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आप बीती बताई। राजा राम ने गोमती नगर थाने पहुंचकर अतुल और बाबा व अतुल कुमार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है।